I welcome you all on behalf of this amazing webinar organized by TrueMaths. I'm Advocate Shimona Sabrawal and मैं आज आपकी host रहने वाली हूँ इस amazing journey के लिए जिसका नाम है Uncode the Code. मैं आपके सामने introduce करना चाहूँगी to our amazing speaker for the afternoon. So I would like to welcome Dr. Vibhutesh Kumar Singh. He's an ex-IITian, currently living in Ireland, and a doctorate in the field of 5G, 6G communication networks and machine learning from the world's leading university. Wow. Thank you, sir. Thank you for joining us. Actually, main ek chote se hill station se hoon, Ranikhet. Naam, matlab, ye Uttarakhand ka hi hai. TrueMaths to bahut logon ne suna hoga. 2009 mein maine 12th pass kiya. I went for a B.Tech in 2010 and then M.Tech, Master in Technology from IIIT Delhi in 2014. And then after 2.5 years actually, I was working then after my master's as a software developer. After that, I got a PhD position in Ireland, fully funded. It was funded by Government of Ireland and I came here. And since then I'm here and I'm currently working in a leading semiconductor manufacturing industry. So TrueMaths, one of the co-founder is my friend, Deepak, my childhood friend. So he invited me here. So yeah, I like the topic. So I came here to talk. मैं आपके से कुछ questions पूछूंगी. Question is, what is coding or programming? Coding or programming? It's actually a way to talk to computer. So like English language, like Hindi language, means aap apni baatein samne wale ko convey karte hain, kuch information dete hain, kuch instruction dete hain. Usi tarike se programming language ya coding aap keh lo, wo ek computer system ko bata raha hai ki ek particular instruction karo. Jaise computer ek dumb machine hai, jab tak aap usko code nahi karoge wo kuch nahi karega. To ek tarike se aap computer ko bata rahe hain ki aap क्या करते हैं और यही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. The next question is, what is the relation between mathematics and coding? एक्चुअल में जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो रहा है, जो भी कंप्यूटर के अंदर हो रहा है वो एक्चुअल में नंबर्स का ही एक गेम चल रहा है. कहीं से डेटा स्ट्रीम आ रहा है, डेटा स्ट्रीम मतलब 0 एंड 1, और वो प्रोसेस होके अनदर डेटा स्ट्रीम बन रहा है 0 एंड 1. तो मतलब एक तरीके से आप कुछ भी कोड करते हो तो वो एक्चुअली में जीरोज एंड वन में कन्वर्ट होके आपका प्रोसेसर प्रोसेस करता है. कुछ भी स्टेटमेंट आप लिखते हो कोडिंग में, जैसे आपने लिखा कि इमेज डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करोगे कि प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दोगे. प्रोसेसर अपने एल्गोरिथम लगा के, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के बहुत सारे, वो उसको प्रोसेस करके आपको स्क्रीन पे दिखा देगा. तो मैथमेटिक्स और कोडिंग लगभग लगभग एक चीज़ है. और इस चीज़ को पहले मैं अप्रिशिएट नहीं करता था, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि जिसको मैथमेटिक्स अच्छी आती है वो कोडिंग सीख सकता है बहुत आसानी से, और जिसको कोडिंग अच्छी आती है वो थोड़ा बहुत तो मैथमेटिक्स जानता ही है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट चीज़ें हैं. तो बेसिकली कुछ भी आप करते हो, इवन की प्रेस करते हो, इवन माउस में क्लिक करते हो, सब कुछ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही हो रहा है. इन बिटवीन जब तक आपका आउटपुट दिखे तब तक कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन हो चुके होते हैं, और सब जीरोज इन वन है, सब नंबर्स. अब हम एक 10-15 मिनट्स का वी कैन हैव एन ओपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स, अगर कोई सर से क्वेश्चन पूछना चाहे कुछ भी. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. ये मैम, जैसे सर ने बताया है कि कोडिंग के बारे में, तो इसमें जिस तरह क्या लैंग्वेज मैथ में इंटरेस्ट होना जरूरी है या अदर लैंग्वेज में भी हम कोडिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं? मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है. वैसे मैंने देखा है कि बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी वो कोड कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन हाँ, अगर मतलब आप लैंग्वेज, दो तरह के लैंग्वेज मतलब यूज़र होते हैं, ठीक है. एक लिटरेचर तक पहुँच जाते हैं जो कि पोइट बन जाते हैं, और जो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो जो पोइट होते हैं उनको लिटरेचर का मतलब लिटरेचर ओरिएंटेड ज़्यादा माना जाता है. तो वही कोडिंग का भी है. अगर आपको पता है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है तो आप पोएट बन जाएंगे उस कंप्यूटर लैंग्वेज के.
तो अच्छे कोडर और नॉर्मल कोडर में यही डिफरेंस है कि अच्छा कोडर सब कुछ समझता है। मैथमेटिक्स इसीलिए ज़रूरी है, मतलब वैसे कोई कोडिंग सीखने के लिए ज़रूरी नहीं, वो तो आज आप कुछ स्टेटमेंट टाइप करो एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स सीखना और इंटरेस्ट होना चाहिए अगर आप अच्छे कोडर बनना चाहते हो, सब कुछ समझना चाहते हो कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा कोडिंग लर्निंग के लिए कि बेसिकली कंप्यूटर मोबाइल एप्लीकेशन क्या हमारे पास बेसिक होना क्या जरूरी है? कंप्यूटर होना तो बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि आप कोडिंग में आपको कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब कोडिंग के भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वैसे तो आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, आजकल आपको ऑनलाइन कंपाइलर ही मिल जाएंगे आपको। Any other question? Hello ma'am, my name is Vansh. I have a question. Acha, hanji, hanji. Please go on. Doctor, please. Sir, I'm in class 10th right now. And I want to ask that if I want to learn basic one language, one coding language, which is the basic and you know, I can start with. So, kaun si aap suggest karenge wo basic language coding ki? Okay, so agar देखा जाए तो यूजेबिलिटी के हिसाब से मेरे हिसाब से पाइथन विल बी द गुड अप्रोच। और अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, अगर थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का बैकग्राउंड है या अगर आप सीख सकते हो तो रिएक्ट नेटिव करके एक लैंग्वेज आता है React और अगर जावा का बैकग्राउंड है तो आपको कोटलिन सीख सकते हो, कोटलिन नाम की लैंग्वेज है। और अगर थोड़ा बहुत C++ में अगर आप क्या कहते हैं यूज्ड अप हैं तो आप एक बहुत ही नया टाइप का लैंग्वेज आ रहा है डार्ट या फिर आप फ्लटर कह लो उसको सीख सकते हो। लेकिन पता है आजकल मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए कोडिंग सीखने की जरूरत ही नहीं है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कर सकते हो, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। लेकिन यही डिफरेंस होता है अच्छे नॉर्मल कोडर में। All the best, True Maths, and all the participants who are attending. Sure, sir. Thank you so much for having us. I would like to thank Dr. Viputesh Kumar Singh for this amazing informative session. Thank you to True Maths. Okay. All the best.